जीवन भाई वो क्या है कि अब तो चड्डी खराब हो रही है। हाँ पैंट तो पहले ही खराब हो चुकी थी। क्या बात है सर, आजकल चड्डी पैंट खराब हो रहे हैं। जीवन भाई चूहे बहुत बढ़ गए हैं घर में, काफी आतंक मचा रहे हैं। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, जरा दवाइयाँ डलवाइए, पेस्टिसाइड करवाइए। ओके। ऐसा है बॉस, पुलिस वाले हो तुम तो नतीजे पे पहुंचने से पहले जरा तहकीकात किया करो। सॉरी सर। वैसे गुड मॉर्निंग सर। क्या है बॉस, आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड और ब्राइट और शाइनिंग लग रहे हो। सर शाइन तो करूंगा ना, मेरी बीवी एक हफ्ते के लिए महके गई हुई है, तो अभी गुलामों की जिंदगी खत्म और बादशाहों की जिंदगी शुरू। रहने दो बॉस, तुम जोकर थे और जोकर ही रहोगे, मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। सर आपको पता चल गया कि मैं रात में अपनी बीवी की मैक्सी पहन के सोता हूँ? What? तुम रात को अपनी बीवी की मैक्सी पहन के सोते हो? हट, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर उधर और उधर, उधर जाओ, उधर और उधर। सर उसमें क्या, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना, इसीलिए मैं पहन के सोता हूँ। वैसे कभी कभार तो मेरी बीवी भी रात में मेरे पैंट शर्ट पहन के सो जाती है। बस बस बस, सारे के सारे राज तुम खुद ही खोल दोगे तो मैं क्या खोलूंगा कद्दू? जिस राज के बारे में मैं बात कर रहा था, जो मुझे पता है तुम्हारा, वो ये राज नहीं था, वो ये राज था। ये देख बॉस, तुम अपनी कॉलोनी में नागिन के कपड़े पहनकर नागिन डांस किया करते थे? सर सिर्फ नागिन डांस नहीं सर, कथकली, भांगड़ा, भरतनाट्यम, टैंगो, सालसा, सब कुछ करता था सर। फिर क्या हुआ? शादी। अब अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, वो भी उसकी मैक्सी पहनकर। तुम लोग क्या सिर्फ? चलो चलो अपना अपना काम करो। सॉरी सर। चलो जो क्लासेस नहीं चल रही यहाँ पर। माना भी अच्छी बात नहीं है, सबके सामने किसी के राज पर से पर्दा उठाना करेक्ट नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ यार, राज पे से पर्दा उठाना मेरा काम है। वैसे एक बात बता, तेरा कौन सा ऐसा राज है जो तूने हमसे छिपा कर रखा है? तू पुलिस वाला है ना, तो तू ही मेरे राज पे से पर्दा उठा ले, अपने आप पता लगा ले। तो एक काम करते हैं, मैं तुझे अपना एक राज बताता हूँ, तू अपना एक राज मुझे बता। ठीक है ठीक है। तो मेरा राज ये है कि मैं एक एक साल तक अपने मोजे नहीं धोता। सर ये बात तो आदि सर को ऑलरेडी पता है, जब भी कोई क्रिमिनल मुंह नहीं खोलता ना, तो आदि सर आपके मोजे उसके सेल में डाल देते हैं, नाक के साथ साथ मुंह भी खोल देता है। बॉस तुम्हारी ये बात सुन के मोजे आ गए यार। चलो चलो काम पे लगो। आ गए ना, आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए, खुशी मिल गई। हाँ हाँ हो गया ना, मेरा राज पता चल गया, अब अपना राज बता। मेरा कोई राज वाज नहीं है। ऐसे नहीं होता है, कोई राज तो है, बता क्या राज है? मैंने बोला ना मानव, मेरा कोई राज वाज नहीं है। ओ तेरी शक्ल से पता चल रहा है कोई राज है तेरा, बता 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 बता। मानव देख बच्चों की तरह जिद मत कर, मेरा कोई राज वाज नहीं है। ओके ठीक है, मैं भी मानव ए देसाई हूँ, तेरा राज तो मैं पता करके रहूंगा। हाँ हाँ करता रहे बच्चों की तरह जिद, जो पता करना करता रहे। जैन सर। जी सर साथ में ही है सर, बस मैं थोड़ा ऊपर हूँ, थोड़ा नीचे सर। जी सर आए, सर आए, आप कैबिन में ही हैं तो वहां से आवाज लगाए थे, आप क्या फोन ऑन कर रहे हैं सर? हाय सर जी, सर बुला रहे हैं। हाँ चल चलो। अरे क्या करता है? जैन सर जैन, तुम दोनों के लिए हमारे पास एक समाचार है। अरे क्या बात है सर, कौन सा अचार है सर, जरा टेस्ट तो करवाइए। वैसे आम का और कैरी का अचार मेरा फेवरेट है। आम का अचार कैरी से ही बनता है। और कैरी का अचार आम से है? मतलब आम आदमी कैरी का अचार बनाता है ये क्या? मैं हिंदी बहुत वीक है, समाचार माने न्यूज। अच्छा 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 समाचार है, मुझे लगा सम अचार है, अचार सॉरी सॉरी वही तो बोला है समाचार। देखो शहर में सीरियल लेडी किलर ब्रिगेंद्र सिंह ने आतंक मचा कर रखा हुआ है। वो लेडीज को पहले बहलाता है, फुसलाता है, फिर उनका गहने और मेकअप बॉक्स
उड़ाता है और फिर उन लेडीज को ही उड़ा देता है। नहीं, उसके बाद में वो खुद सामान लेके उड़ जाता है। सर इस हिसाब से तो वो एक मामूली सा चोर हुआ, फिर आप उसे लेडी किलर क्यों कह रहे हैं? अरे बगाड़ गहना और मेकअप का लेडी तो मारा हुआ जैसा ही है, उस हिसाब से ये लेडी किलर है। सर सर मेरी नजरों में तो ये ब्रिगेडियर सिंह मर्दों का मसीहा हुआ सर। क्यों? सर ये जो मेकअप है ना, मेकअप ये औरतों का सबसे बड़ा औजार है सर। सर इसे लगाने के बाद जो वो होती है वो दिखती नहीं, जो दिखती है वो होती नहीं। औरत का असली चेहरा तो मुंह धुलने के बाद नजर आता है। अरे ब्रिगेडियर सिंह कर क्या रहा है सर? यही तो वो कर रहा है, औरतों का मेकअप चुराता है ताकि औरतों का असली चेहरा हमारे सामने आ सके, तो हुआ ना ये मसीहा। इंस्पेक्टर आदि, तुझे ये औरतों के मेकअप से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ जो कॉमन है। तो अपनी कॉमन सी बात के साथ थोड़ा सा सेंस भी लगा देगा तो कॉमन सेंस की बात भी हो जाएगी। मतलब क्या चाहता है तू? एक आदमी को लिपस्टिक चुराने के इल्जाम में जेल में डालेगा क्या? लिपस्टिक हो या सेल्फी स्टिक, चोरी चोरी होती है। क्या फालतू की बातें कर रहा है यार? फालतू की बात। सर अरे तुमको नहीं बुलाया, आना नहीं दौर, और आपको दिखना भी नहीं। ओके सर। तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, इस केस को पर ध्यान दो। अभी तक इस ब्रिगेंजा ने 17 लड़कियों का शिकार किया है, अभी 18 हो उससे पहले ये जेल में सजा काटे, समझा? अब आप टेंशन मत लीजिए सर, ये केस आपने मानव देसाई को दिया है सर। अब ये ब्रिगेंजा किसी लेडी का शिकार नहीं करेगा, बल्कि इसका खुद का शिकार होगा। वेरी गुड, ये हुआ बात। अभी देखो तुम ये ब्रिगेंजा का पहला पता लगाओ और अपने जानने वाला जितना लड़की लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर दो कि कोई भी इंसान जो गहना और मेकअप बॉक्स के बारे में जानना चाहता है उससे बच के रहो। यस सर, यस सर। अरे आदि 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 अरे आदि रुकना, सुनना, कहाँ जा रहा है यार, कहाँ जा रहा है? मैं पिक्चर देखने आ रहा हूँ, चलेगा? इस वक्त चल। क्या बात हुई अंदर? ब्रिगेंजा का, उसकी डिटेल्स निकालने जा रहा हूँ। अरे ब्रिगेंजा की डिटेल्स तो तू निकाल ही लेगा, लेकिन उससे पहले जरा मेरी भी तो सुन के जा। मुझे कमिश्नर सर का एक बहुत बड़ा राज पता है। सर का बहुत बड़ा राज पता है? क्या है बता ना। पता तो दू यार, लेकिन पहले तू एक बार अपना राज बता ना, फिर बताता हूँ। वेल ट्राइड मानव देसाई, वेल ट्राइड, गुड ट्राई। ऐसे पैतरे मत खेला कर मेरे साथ। जिस क्लास में तू पढ़ रहा ना उसकी किताबें लिखी है मैंने, समझा? अभी तो मैं तेरे राज पूछ रहा हूँ, तू इतना नाराज क्यों हो रहा है यार? तू मुझे तो बता सकता है, तेरा पार्टनर हूं मैं, तेरे राज का बोझ मैं अपनी चिता तक उठाऊंगा। तू ऑलरेडी इतना बोझ उठा रहा है, और उठाने की चेष्टा मत कर। मेरा राज तो मेरे साथ ही दफन होगा। एक काम कर, तू अपना काम कर और मुझे जाके जरा मुखबिरों से वो ब्रिगेंजा के बारे में डिटेल निकालने दे। तो मैं मेरा काम क्या करूं? क्या है मेरा काम, करना क्या है? एक काम कर, बहुत बड़ा काम है तेरे लिए। हाँ बता बता। देख तू जा और किसी अच्छे से मेंटल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आ और अपना चेकअप करवा। हेलो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ए भाई इधर उठा ना। वजन कम करो अपना, मोटे मोटे लोग भर्ती कर रखे हैं पुलिस में। आदि के रुमाल पे बी क्यों लिखा है? अगर आदि है तो ए होता है, आयशा भी हुआ तो ए हुआ, पिता का नाम पुरुषोत्तम तो पी, माँ का नाम सुशीला तो एस, अपने पार्टनर का नाम भी अगर लिख ले मानव तो एम हो गया, लेकिन बी कहीं, ये बी ही आदि की जिंदगी का बहुत बड़ा आर मतलब राज तो नहीं? आदि तेरी जिंदगी का ये राज तो मैं पता करके रहूंगा, पहले जाके अपनी डी से तो मिल लूं। तो वो आदमी लड़कियों के गहने और मेकअप किट चुराता है? हाँ हाँ। तो फिर उसे तो अरेस्ट करना इजी है, है? हाँ, जो भी आदमी तुम्हें मेकअप लगाए और बहुत सारे गहने पहने हुए देखो उसे अरेस्ट कर लो। ये तो मुझसे बप्पी को अरेस्ट करवाएगी। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो। कोई भी स्ट्रेंजर, कोई अनजान आदमी तुमसे आके तुम्हारे गहने या मेकअप किट के बारे में पूछे, तुमसे कहे कि ये चीजें कहाँ हैं, तो तुम तुरंत मुझे फोन करना। पर तुम्हें कैसे पता कि मेरा मेकअप किट और गहने कहाँ हैं?
डॉली मैं उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगा ना, इसी तरह तो पकड़ूंगा। एक काम करते हैं, एक रिहर्सल करते हैं। मान लो कि मैं ब्रिगेंजा हूं और तुम डॉली। ओके। अब ये स्ट्रेंजर आदमी है, अनजान आदमी है, तुम इसे जानती नहीं हो बिल्कुल, और ये तुम्हें कहीं भी मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, तो ये लो बन गई हमारी ट्रेन। अब ये आदमी तुम्हें कहीं भी मिल सकता है। तो तुम मान लो कि तुम ट्रेन से सफर कर रही हो, लेकिन अकेली कैसे करोगी? रुको रुको, एक्सक्यूज मी भाई साहब, आए आप लोग जरा यहाँ पे आएंगे, प्लीज यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब ये ट्रेन है, ट्रेन ट्रेन, आप लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बैठ जाइए कहीं भी, मतलब खड़े हो जाइए जैसे भी। हाँ, ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब तुम ट्रेन में सफर कर रही हो और ब्रिगेंजा तुम्हारे पास आता है। ओके, ट्रेन स्टार्ट। हेलो ब्यूटीफुल, हाय। तुम्हारा ये प्यारा प्यारा भोला मासूम सा चेहरा, तुम्हारी झील जैसी आंखें, तुम्हारी छोटी सी तीखी नाक, तुम्हारी ये प्यारी प्यारी नाजुक सी पतली सी उंगलियां, तुम्हारे पर गहने बहुत सूट करेंगे। कोई गहने वहने हैं क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो। अरे डॉली, तुम्हें ऐसे बताना थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास गहने हैं। ऐसे टाइम पे अपना फोन निकालो और तुरंत मुझे फोन करो, ताकि आके मैं उसे अरेस्ट कर सकूं। क्या कर रही हो डॉली, उल्टी करते हैं। मुझे ट्रेन में वैसे भी बहुत उल्टी होती, कब से आ रही थी। एक मिनट, ए क्या कर रही हो, उल्टी मतलब पोजीशन उल्टी करते हैं, तुम यहाँ मैं वहाँ। अब मान लो कि तुम ब्रिगेंजा हो और मैं डॉली। हाय, ये क्या हो गया मुझे? नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम डॉली जैसी हो वैसी हो, पतली हो, ये मैं खाली बता रहा हूँ। मान लो कि मैं डॉली हूँ, तुम ब्रिगेंजा हो, अब तुम ब्रिगेंजा बन के आओ। हाय ब्यूटीफुल। हाय। ये तेरा गोल मटोल कद्दू जैसा चेहरा, ये बड़ी बड़ी उल्लो जैसी आंखें, ये पकोड़े जैसी नाक, और ये शकरकंदी जैसी मोटी मोटी उंगलियां। बस बस, ओ बस, बहुत हो गया। अरे नहीं मानव, तारीफ और बाकी है। नहीं बस, इससे ज्यादा तारीफ मैं सहन नहीं कर सकता। वो आगे तुम लोगों का स्टेशन, उतर जाओ। मानव, रुक गई ट्रेन भाई, रुक गई, जाओ जाओ, हो गया, स्टेशन आ गया। थोड़ा कंटिन्यू करते ना, बहुत मजा आ रहा था। नहीं, इस केस को मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे लेकिन मानव, मैं और हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हारी और हेल्प नहीं चाहिए, मैं ब्रिगेंजा से कह दूंगा कि तुम्हारे पास आए ही ना। कितना मजा आ रहा था कि मानव भी ना। यस चार्टर, बोलो। हेलो नीना, अरे हम कब से तुमको फोन लगा रहा है, तुम हमारा फोन ही नहीं उठा रहा है, किससे बात करने में बिजी है इतना? है कोई जिसकी बातों में खुशबू है, तुम्हारी तरह फिश की बदबू नहीं है। कौन है वो? है कोई जो मुझ जैसी असली सोने की कद्र करने वाला जौहरी है, जिसे मेकअप में नहीं मेरी सादगी में इंटरेस्ट है। ओके बाय। असली सोने का कदर करने वाला, मेकअप की जगह सादगी पसंद करने वाला, उड़ी बाबा ब्रिगेंजा। हेलो, हाय खबड़ी। ए कमिश्नर, हम डाकू चूरन सिंह बोल रहा हूँ। तुमने हमारा बहुत साथी मारे है, गिन गिन के बदला लूंगा। ए कौन बोलता है? घबरा गए? हम अब डाकू बन के बैठा है यहाँ, रहे तो तुम्हारा भाई। खबड़ी, खबड़ी मेरा भाई। अरे आहिस्ता बोलो, लोगों का शक हो जाए। हमारे पास ब्रिगेंजा का खबर है, इस बार वो अकेली लेकिन मैरिड औरत को शिकार बना रहा है। क्या बात करता है तू? देखो, इनके पास सोना बहुत रहता है ना, हमका उसका नाम भी पता चला है, तो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी नाम एन से शुरू होता है और ये से खत्म होता है, और बीच में दो ई भी है। नीना, मतलब मेरा शक सही निकला है, हमको नीना पर नजर रखना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसको मालूम पड़ेगा तो नाराज हो जाएगा, बोलेगा हमारी जासूसी क्यों करता है। अरे उसका फिक्र तुम मत करो,
तो तुमको तुम्हारी असलियत नहीं पहचान पाएगी। मैं ड्रेस भेज रहा हूँ वहाँ, उसको पहन कर जाओ। वो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं पहचानेगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ, तुम ड्रेस लेकर इधर आ जाओ, फिर हम उधर चला जाएगा, ठीक है? और हेडक्वार्टर पे सब पे नजर कौन रखेगा? अरे तुम रखेगा, तुम इधर कमिश्नर बन के बैठेगा। मैं शपथ लेता हूँ, अगर मैं कमिश्नर बन गया ना तो शहर से पूरा क्राइम मिटा दूंगा। ए केबला कांतो, तुम एक दिन के लिए कमिश्नर बन रहा है, जिंदगी भर के लिए नहीं है पागल। हाँ, अभी ड्रेस भेजो और खुद भी इधर में आओ। ठीक है गांजा, अभी तेरे को ना बिगड़ कैसी का तेरा गांजा बना दूंगा मैं, गांजा साला। ये आदि ऐसी गलियों में क्या कर रहा है? जरूर इसका कोई राज यहाँ छिपा है। यही है चोर गली, शायद यही ब्रगदंजा का कुछ सुराग मिल जाए। अरे कुछ तो देते जाओ भाई, अरे कोई तो भेज दे मालिक। ये लो यार काका, हाँ मिलेगा ये बगैंजा। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे दे दे। कमाल है यार, दिन ब दिन भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर वाले के नाम पे दे दे। ना हट्टा कट्टा आदमी होकर भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आ रही? कोई ढंग का काम नहीं कर सकता क्या? तुम लोगों को ना पुलिस की मार पड़नी चाहिए, तब गल ठिकाने आएगी तुम लोगों। बुला पुलिस को, बुला बुला पुलिस को, बुला बुलाएगा पुलिस को, बुला ना। कोई तो दे दो बाबा, चार दिन से भूखा हूँ। अरे चाचा मैं क्या दूँ, मेरे पास 2000 का नोट है। मेरे पास है ना छुट्टे, देखो। अरे इतना पैसा है तो खाओ ना जाके कुछ, चार दिन से भूखे क्यों हो? अजीब आदमी हो। उस ऑटो का पीछा करो जल्दी। अबे अबे चला, ए ए अब शादी का राज जानने के लिए शादी के घर ही जाना पड़ेगा। आदि, आज तेरा राज खुल के ही रहेगा। फोटोज तो ऐसे लगा रखी है जैसे इमरान हाशमी के बाद यही है। कहाँ ढूंढू, इंसान के सारे सीक्रेट सिर्फ दो ही जगह होते हैं, या तो टॉयलेट या कबर्ड। बैग चेक करते हैं, गहने मेकअप का सामान। बी
बी बी बी बी मतलब ब्रिगेंजा। तभी ब्रिगेंजा की इतनी तरफदारी कर रहा था आदि, अब तो साफ है आदि ही सीरियल लेडी किलर ब्रिगेंजा है। जीवल भाई। हाँ हाँ। अरे नहीं, जैसा आपने बताया था, मैंने घर के कोने कोने में वो चूहा पकड़ने वाला ट्रैप लगा दिया है। अरे यार का चुप हो। लगता है चूहा फंस गया। मैं करता हूँ आपको मेरा फोन। हाँ हाँ जी। फंसा है चूहा, किधर जाएगा भाग के? अरे ट्रैप कहाँ गया? चूहा था कि बैल? पूरा ट्रैप ही उठा के ले गया अपने साथ। अरे यार यहाँ कहीं तो नहीं फंस गया ये चूहा? चूहा इसके नीचे होगा। अब जाओ विमल जी को फोन लगाता हूँ। विमल जी, अरे ट्रैप वैप का चक्कर काम नहीं करता आजकल के चूहों पर। आप एक काम करो ना, पेस्ट कंट्रोलर को भेजो, दवाई वाई छिड़काओ, चूहे काम खत्म करवाओ यार। हैं? ओके ओके। ना मोटा चूहा का मोटा चूहा For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.